14 फरवरी को पुलवामा हमले के चंद घंटों के बाद ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। ये वही आतंकी संगठन है जिसका आका मसूद अजहर पाकिस्तान की गोद में बैठा है और बहावलपुर में इसका हेडक्वार्टर दुनिया के सामने बेपर्दा हो चुका है। पुलवामा कांड के बाद भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा दबाव बनाया कि उसे बहावलपुर में मौजूद जैश ए मोहम्मद के नए मुख्यालय को अपने कब्जे में लेना पड़ा। हालांकि इलाज के नाम पर सरगना मसूद अजहर को दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया गया। अब ताजा जानकारी ये है कि पाकिस्तान ने जैश के अड्डे की निगरानी के लिए दो प्रशासकों की नियुक्ति की है। बहावलपुर के जामिया मस्जिद सुबहानअल्लाह मदरसे में जैश का मुख्यालय है और पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की सरकार ने दो दिन पहले इसे नियंत्रण में लेने का ऐलान किया और अब प्रशासक मोहम्मद अली और गुलाम अब्बास को जामिया मस्जिद सुबहानअल्लाह के प्रशासनिक मामलों की निगरानी का आदेश दिया है। पाकिस्तान का यह फैसला साफ साफ इशारा है कि भारत का और दूसरे देशों का अंतर्राष्ट्रीय दबाव अपना काम कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी अपने उस बयान से पलट गए जिसमें उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि सरकार ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को अपने नियंत्रण में ले लिया है। ताजा बयान में फवाद चौधरी इसे भारत का दुष्प्रचार बता रहे हैं। बहावलपुर में एक मदरसे का इंतजामी कब्जा जो है वो पंजाब हुकूमत ने लिया। ये वो मदरसा है जिसके बारे में प्रोपेगेंडा कर रहा था भारत कि ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ कि कोई ताल्लुक नहीं है इन कार्रवाइयों का जो कि कश्मीर में वाकया हुआ उससे। अगर पाकिस्तान ये साबित करने पर तुला है कि बहावलपुर का जामिया मस्जिद सुबहानअल्लाह जैश का मुख्यालय नहीं है तो फिर उसकी निगरानी के लिए दो प्रशासकों की नियुक्ति की क्या जरूरत थी? जब ये एक सामान्य मदरसा है तो क्यों पाकिस्तान सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया? क्यों इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने पहले इसे जैश का मुख्यालय माना और अब शायद सियासी दबाव में अपने बयान से पलट गए? आतंकवाद और मसूद अजहर पर पाकिस्तान का लगातार झूठ ये साबित कर रहा है कि वो इस वक्त बेहद दबाव में है। भारत के प्रेशर के बाद वो मजबूरी में कार्रवाई तो कर रहा है लेकिन अपनी साख और लाज बचाने के लिए दुनिया को दिखाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है।